I want this, yeah, lovely. Hold, one more safety. Yeah, I want this. Man, thoda sa left mein. Look camera. Yeah, look camera, my boss. अवार्ड के बारे में मैं यहाँ पे भी यहाँ चलो बाइक मारे बाइक तो लड़ने विश्वास पहले चलो चलो बहुत ये फोन किसका है सॉरी मेरा आवाज मेरी आवाज इन्फेक्शन हो गया है तो थोड़ी डाउन है चलेगा चलेगा अवार्ड के बारे में बताएगा मैम अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे आज आप यहाँ पर लोगों को अवार्ड देने आई हैं लोग काफी खुश होते हैं जब अमीषा पटेल अवार्ड देती है लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर अमीषा पटेल भी खुश होती है जब वो किनको अवार्ड देती है क्योंकि जिन्होंने अच्छा काम किया है साल भर और इतनी मेहनत करके वो एक मुकाम पे आ जाते हैं तो ऐसे अवार्ड्स एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं उनके काम को सराहने के लिए और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हम फिर इनकरेज करते रहते हैं कि मेहनत का फल जो है उनको मिले और दूसरे और लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है कि वो भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालें और ये अच्छी बात है कि मेहनत करो तो उसका फल मिलना ही चाहिए और ऐसे ही अवार्ड प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि मेहनत और हार्डवर्क और डिसिप्लिन जो इनके साथ जाते हैं वो लोगों को अवार्ड मिलने ही चाहिए तो मुझे भी बहुत खुशी होती है उन लोगों को अवार्ड दे मैम इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि ऑलरेडी Z5 में भी हंगामा मचा रहा है फिल्म सकीना आपकी क्या कहना चाहिए आप हंगामा मचा रहे गदर फिल्म क्या कहना चाहिए गदर है गदर वाले भी गदर मचाई थी जाहिर सी बात है आप लोगों के प्यार ने भगवान की दुआओं ने ऑडियंस ने तारा और सकीना को फिर से 22 साल बाद अपनाया और ये प्यार ही था जो तारा और सकीना के लिए 22 साल से लोगों के दिलों में कायम था नए लोगों के दिल में कायम कर लिया जिन्होंने गदर वन देखी नहीं थी शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे तो बहुत अच्छा लगता है कि गदर ने थिएटर में भी गदर मचा दी और अब OTT Z5 पे भी गदर मचा दी तो क्या था प्रमोशन के वक्त मैं बहुत पहन रही थी और बहुत लोगों ने पसंद किया क्योंकि अभी मेरी आइडेंटिटी ही सकीना बन गई है लोग मुझे अमीषा जी बोलते ही नहीं है सकीना मैडम या मैडम जी कहीं पे भी जाती हूँ तो दिल के करीब बहुत ही ये किरदार है पहले दफ़े भी सकीना कभी मेरे जहन या दिल से निकली नहीं थी और इस बार कायम हो गई है तो मैं दिल के पास ही सकीना को पहन रही हूँ क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में फिल्मफेयर में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जाए जहाँ अवार्ड्स की सवाल है हिंदी फिल्मों के ना अजय देवगन एक्सपेक्ट करते हैं ना आमिर खान ना सनी देओल ना मैं आप लोग तो जानते हो अवार्ड्स का क्या मामला है तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे लिए अवार्ड और रिवॉर्ड आप सबका प्यार मेरी ऑडियंस का प्यार और बॉक्स ऑफिस सक्सेस है अच्छा, बाकी कुछ मैम आप ये कह रहे कि मतलब आप अवार्ड्स मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती फिल्म फेयर जैसे अवार्ड मैं किसी अवार्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देती क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो होता है जो पॉलिटिक्स है हम सब जानते हैं इसलिए शायद महाकलाकार सनी देओल अजय देवगन आमिर खान जैसे लोग अवार्ड्स अटेंड भी नहीं करते कुछ तो वजह होगी लेकिन उनकी फिल्में अवार्ड ले लेती है रिवॉर्ड ले लेती है और वो होता है ऑडियंस का प्यार वो एक ट्रॉफी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अरे इनको मौका दो आपने एक सवाल कहा था मैंने 10 का जवाब दे दिया इस गले की हालत में बताइए ये तारा सकीना से ज़्यादा आपको प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए लेकिन मैम जब वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके आएंगे जो तारा को और सकीना को पसंद आएगी तो हम हाँ कह देंगे लेकिन जब तक अच्छी स्क्रिप्ट जो जस्टिफाई नहीं करे सिर्फ सीक्वल बनाने के लिए सीक्वल हम नहीं बनाएंगे जब तक एक ऐसी बेहतरीन स्क्रिप्ट ना आए तब तक लोगों को इंतजार करना क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफी लंबा गैप रहा तो थर्ड पार्ट में भी गैप देखने मिलेगा कि जल्द ही आ सकता है कुछ चांसेस अगर नहीं इतना गैप तो रहना नहीं चाहिए और रहेगा भी नहीं अगर थर्ड पार्ट बनानी है तो कुछ ही सालों में आ जाएगी
मैम बात करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान का माई था, कल इंडिया ने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धो डाला जिस तरह आपने गदर में धो डाला, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगी कि हर क्रिकेट मैच में कोई भी हो, अफगानिस्तान हो, वेस्ट इंडीज़ हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, हिंदुस्तान सबको धो डाले। हिंदुस्तान जिंदाबाद। था, रहेगा और हमेशा रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट टू थ्री क्वेश्चन।